हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं तो उसके बदले में एक और हमारा एआई टूल आ चुका है, ठीक है, जिसका नाम है जेमिनी एआई। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जेमिनी एआई और चैट जीपीटी दोनों में से कौन सा बेटर है और कौन सा आपका यूज करना चाहिए, ठीक है। मैंने चैट जीपीटी के बारे में ऑलरेडी काफी वीडियोज आप लोगों के लिए बनाकर अपलोड की है, वो सब आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जरूर हमारे यूट्यूब पर जाइए और काफी वीडियोस मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है। मैंने काफी चीज के बारे में आप लोग के लिए बताया हुआ है, जैसे यहाँ देखें आप ध्यान से, तो हमने देखे चैट जीपीटी के बारे में बताया, गूगल अप्रूवल कैसे लेना है, अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी बताया है, ठीक है। काफी चीजें मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर बनाकर अपलोड की हुई है, उसको आप जरूर वॉच करें, उससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं गाइस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि आज हम जेमिनी और उसके बारे में बात करना है कि जेमिनी वर्सेस जो जेमिनी एआई है बस है चैट जीपीटी एआई में कौन सा बेटर है। तो मैंने दो भागों में बात रखा है, एक चैट जीपीटी एआई के लिए और जेमिनी एआई के लिए, अलग अलग दोनों में अलग अलग पॉइंट मैंने नोट किए हैं। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए पहले बता रहे हैं आपको मैं कि जो गूगल बार्ड था ना, वही अब उसका लेटेस्ट वर्जन बेहतरीन गूगल बार्ड को और अच्छे से बनाकर जेमिनी एआई के रूप में आप लोग के लिए बताया गया है, ठीक है, बनाकर आप लोग को दिया जा रहा है। जेमिनी एआई कुछ नहीं है, गूगल बार्ड जो था उसी का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। जेमिनी एआई मैंने गूगल बार्ड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में डाली हुई है, ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ लिखा है चैट जीपीटी एंड गूगल बार्ड, इन दोनों का आप देख सकते हैं। जेमिनी एआई कुछ नहीं है, गूगल बार्ड का लेटेस्ट वर्जन है और यू विल गेट हियर, ठीक है, लेटेस्ट डाटा। सबसे बड़ी बात ये गाइज ना कि जैसे चैट जीपीटी में ड्रॉबैक ये है कि उसमें आपको लेटेस्ट डाटा नहीं मिलेगा। जैसे आप अभी लेटेस्ट का करंट डाटा सर्च करेंगे T20 वर्ल्ड कप के बारे में जो भी चल रहा है इस समय, तो वो नहीं बता पाएगा, बट जेमिनी एआई हम लोग को बता देगा, क्योंकि इसमें क्या है, हर चीज जो भी नया डाटा आता है वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। जाहिर सी बात है क्यों अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि गूगल का है, गूगल सर्वोपरि है, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमेशा लेटेस्ट डाटा मिलेगा जब भी आप गूगल जेमिनी यूज करेंगे तो, ठीक। इसके अलावा यू कैन गेट आंसर आल्सो इन हिंदी, जाहिर सी बात है यहाँ पर आप आंसर हिंदी में जान सकते हैं, जबकि गूगल चैट जीपीटी में आपको नहीं मिलेगा। जस्ट मैं सर्च करके दिखाता हूँ, जस्ट यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कि जस्ट मैं सर्च करता हूँ कि संदीप महेश्वरी, आप लोग देखते होंगे वीडियो, आई थिंक आई होप शायद आप देखते हो या सर्च करते हो, तो संदीप महेश्वरी की यूट्यूब वीडियो, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि संदीप महेश्वरी की यूट्यूब वीडियो जो हमारी है वो हमको ये दे, ठीक है, मैंने एंटर किया। अब देखिए संदीप महेश्वरी की जो भी यूट्यूब की वीडियो होगी ना वो ये देखो आपको दे देगा, देखो ये देखो दे रहा है, जबकि मैं यही चीज सेम आपके लिए सेम यही चीज अगर मैं सर्च करूं चैट जीपीटी में आपको दिखाने के लिए, देखो मैं सर्च करता हूं तो चैट जीपीटी नहीं बता पाएगा, ये देखें। वास्तव में मुझे इस बारे में पता नहीं है, ठीक है, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा लिख देगा भैया मुझे, क्षमा करो, माफ करो। तो चैट जीपीटी ये काम नहीं कर सकता जो जेमिनी कर सकता है, ये मैं बता रहा हूँ कि जेमिनी इज बेटर देन चैट जीपीटी, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट डाटा आपको देगा। जाहिर सी बात है आपको हमेशा लेटेस्ट डाटा चाहिए, क्योंकि पुराना डाटा कौन पढ़ना चाहेगा भाई, अब कल परसों की न्यूज अगर हो गई है तो आप पढ़ना चाहोगे, कभी नहीं पढ़ना चाहोगे, आप हमेशा नया देखना चाहोगे। जैसे वर्ल्ड कप 2023 वाला इंडिया हार गई, ठीक, फाइनल में हार गई, तो लोग उसको भूल गए हैं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि बीत गया, पुराना हो गया। अब T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इस पर लोग की नजर है, इस पर ध्यान देना लोगों को, ना कि पीछे जो बीत गया है, क्योंकि वो वापस आने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, आपको लेटेस्ट डाटा आपको हमेशा चाहिए, लेटेस्ट डाटा आपको लेटेस्ट डाटा चैट जीपीटी से प्रोवाइड करेगा ज्यादा, ही जेमिनी एआई चैट जीपीटी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। हिंदी में भी आप आर्टिकल सर्च कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप हिंदी में भी आर्टिकल जो भी आपका मन है आप सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये चैट जेमिनी एआई आपको पूरी तरह से बता कर देगा। आल्सो मेक इमेजेस यूजिंग जेमिनी, यहाँ पर आप इमेज भी डेवलप कर सकते हैं जेमिनी के द्वारा। जैसे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए कि आप कुछ, आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए कि भाई मुझे इमेज दो, सिर्फ सर्च करता हूँ संदीप महेश्वरी इमेजेस, ये देखते हैं, ये देखिए संदीप महेश्वरी इमेजेस, देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए संदीप महेश्वरी के आपको ये इमेजेस दे दिया। आप मोर चाहते हैं तो आप और यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई और इमेजेस दे दीजिए, आप और इमेजेस देगा, ठीक, इस तरह की आप बहुत इमेजेस आप चाहे तो ले सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जेमिनी में, बट ये चीजें आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। जैसे मैं सर्च करूँ कि संदीप, ठीक है, महेश्वरी इमेजेस, जैसे यहाँ पर मैंने सर्च किया था, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, है ना, संदीप महेश्वरी इमेजेस जो थी यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ चैट जीपीटी में तो ये हमको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। मैंने आपको बताया ना कुछ चीजें यहाँ पर नहीं आपको मिलेगी, देखिए यहाँ बता रहा है, जैसे गूगल है यहाँ पर बता रही, यहाँ से आप पा सकते हैं बोलेंगे ये, बट मैं ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। देखिए हम लिखा मैं छवि की खोज नहीं कर सकता,
इसलिए बेटर, मैं आपको बता रहा हूं कि चैट जीपीटी से बेटर हमारा जेमिनी एआई है, समझ रहे हैं। अब अगली चीज देखते हैं, यहां पर अगली चीज देखिए, यहां पर यू कैन आल्सो सर्च यूट्यूब वीडियो। मैंने आपको बताया, जैसे मैंने अभी सर्च किया आप लोग के लिए कि संदीप महेश्वरी की वीडियो, ये देखिए पर आपके आपके सामने आ गई, ये देखिए। आप और यूट्यूबर कहां सर्च कर सकते हैं, लाइक लक्ष्य चौधरी की, चलिए ठीक है, लक्ष्य चौधरी के, चौधरी लक्ष्य चौधरी यूट्यूब वीडियो, जस्ट यहां पर मैं सर्च करता हूं, तो लक्ष्य चौधरी की यूट्यूब वीडियो यहां पर मैं सर्च करता हूं, तो देखिए लक्ष्य चौधरी की यूट्यूब वीडियो भी हम लोग को दे देगा, ये देखिए, देखिए इन्होंने बता दिया कॉमेडियन है, ये कॉमेडी के बारे में वीडियो अपलोड करते हैं। ऐसे यहाँ पर संदीप महेश्वरी देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ इन्होंने के बारे में, नहीं ऐसा चीज यहाँ पर नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लेकिन ये देखिए जो डाटा ज्यादा ज्यादा पा सकता है ये पूरी तरह से बताकर देता है। ये देखिए सब जो सी रोस्ट काफी वीडियो देखे और कितने व्यूज आए वो भी बता रहा है, देखिए कितने व्यूज है, कितने मिलियन व्यूज है, ये सब बता रहा है, देखिए अन्य चीजें बता रहा है। और इनका यहाँ पर देखिए यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको दिया है, जाकर आप वीडियो खोज सकते हैं अगर आपको और देखना है तो, ठीक है, ये चीजें दे रहा है। बट ये चीजें चैट जीपीटी नहीं कर पाएगा बिल्कुल नहीं, ये अंतर है चैट जीपीटी जेमिनी एआई में। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आल्सो गेट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आल्सो गेट सर्च बटन एंड वॉइस कमांड एंड आल्सो करंट ऑल डाटा प्लस डार्क थीम। मैं बताता हूँ इसमें क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप इसे आपने यहाँ पर सर्च किया है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक गूगल का लोगो दे रहा है, ये देखिए इस पर क्लिक करिए तो ये रिस्पॉन्स करेगा, रिसर्च करेगा और इसके बारे में देखो बता रहा है। ये देखो नीचे आएगा ना लक्ष्य चौधरी की वीडियो सर्चिंग टॉपिक्स, ये चीजें, तो इस पर आप क्लिक करके जा सकते हैं कि नेटवर्क कितनी है इसे, तो आपको बता देगा कि वर्तमान में इतने नए सब्सक्राइबर इतने हैं, इतनी की कुल वैल्यू है, ये सब क्या व्यू है दिखा रहा है, इनके बारे में और यहाँ पर जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक यही चीज मैं कह रहा था कि गूगल का सर्च बटन भी आपको मिल जाता है आप यहाँ पर, लेकिन ये चीजें आपको चैट जीपीटी में देखने को कहीं नहीं मिलने वाली। इसके अलावा यहाँ पर और चीजें हैं, यहाँ पर वॉइस आप कमांड, यहाँ पर आप वॉइस भी बोल सकते हैं, इसलिए देखिए वॉइस कमांड इस पर बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मतलब आपने बोला यहाँ पर अलाउ आपको करना है और आपको यहाँ बोलना है, आप यहाँ बोलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करिए और संदीप महेश्वरी वीडियो ये क्लिक करा गया, ठीक है मैंने और बोल दिया था, आगे कराते हैं यहाँ पर और आप यूट्यूबर का सर्च कर सकते हैं, ठीक है कैरी मराठी वीडियो, ये देखिए कैरी मराठी वीडियो यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो कैरी मराठी की वीडियो रिलेटेड आपके सामने आ जाएगी, ये देखिए आ रहा है, ठीक है। बट ये चीजें आपको चैट जीपीटी में देखने कहीं को नहीं मिलने वाला, ठीक है ये आपको यहाँ देखने को मिल सकता है बस जेमिनी में। इसके अलावा यहाँ पर और चीजें क्या है, मोड की बात करें तो यहाँ पर देखिए सेटिंग पे जाकर आप डार्क मोड या फिर लाइट मोड वो आपके ऊपर डिपेंड है, इसको डार्क कर सकते हैं लाइट कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू आप कौन से ज्यादा डार्क या लाइट ये कर सकते हैं सिंपल। इसके लिए यहाँ पर लिखा है गुड फॉर ब्लॉगर, ब्लॉगर के लिए बहुत अच्छा है ये, और साथ में यहाँ पर आप और आल्सो कनेक्ट योर ऑल डाटा, मतलब जैसे आपके पास यूट्यूब वगैरह चैनल वगैरह है तो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट करना है, सिंपल यहाँ पर जाएंगे आप जेमिनी में और या सेटिंग में जाकर आप एक्सटेंशन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको काफी चीजें मिल जाएगी, देखिए लिखा है शो मी मोर, क्लिक करेंगे कंटिन्यू और कंटिन्यू कनेक्ट, जो भी आपके इस ईमेल से रिलेटेड होगा ये सारी चीजें यहाँ पर कनेक्ट हो गई हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब, ठीक है सर्च टॉपिक, यहाँ पर यूट्यूब म्यूजिक, काफी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप काफी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं, वर्कशॉप गूगल वर्कशॉप, गूगल फ्लाइट्स, गूगल होटल्स, गूगल मैप्स वगैरह सब आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल होता है इस पर तो वो भी यहाँ पर आपको शो करने को मिल जाता, सर्च टॉपिक यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता, सिंपल ही यहाँ पर चीजें कनेक्ट हो चुकी है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर और क्या चीज है, और ये देखिए ये गुड फॉर ब्लॉगर, मतलब आप इसमें काफी चीजें कर सकते हैं, जो चीजें आप चैट जीपीटी में करते हैं उससे बेटर आप जेमिनी एआई में कर सकते हैं, और खास करके बात आप बोल के कर सकते हैं, यहाँ पर आप बोलना चाहते बोल सकते हैं, यहाँ पर आप सर्च कीजिए राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, ऐसे आ रहा सॉरी, यहाँ पर आप राइट एसईओ अबाउट, एक सेकंड मैंने गलत बोल दिया, राइट एसईओ अबाउट महात्मा गांधी, ये देखिए तो ये एसईओ लिख देगा आपके लिए महात्मा गांधी के बारे में, राइट एसे अबाउट महात्मा गांधी, ये देखिए पूरी चीजें आपको दे दी, काफी चीजें यहाँ पर आपको बता देगा ये, इसलिए यही फायदा है यहाँ पर जेमिनी में और चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी ऐसा नहीं कि बुरा है, बुरा नहीं कहूंगा मैं,
दोनों में पेड वर्जन अवेलेबल है। यहाँ पर आप जाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है ट्राई जेमिनी एडवांस, जेमिनी एडवांस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेड वर्जन मिल जाएगा। ये देखिए 1950 रुपये आफ्टर मंथ के बाद यहाँ पर दिखा रहा है कि ऐसा ऐसे आपको देना पड़ेगा, और ये चीजें आपको स्टोरेज वगैरह क्या क्या चीजें मिलेंगी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सेम चीजें आपको यहाँ पर चैट जीपीटी में मिलने वाला, ये इसका भी पेड वर्जन। यहाँ पर देखिए चैट जीपीटी में जाएंगे और लिखा है अपग्रेड, तो अपग्रेड कर सकते हैं। लिखा है देखिए $20 लगभग आपको महीना पड़ेगा, और इसका आप अपग्रेड प्लस वर्जन में जा सकते हैं चैट जीपीटी के भी। सेम चीजें हैं, ठीक। ये मैंने चैट जीपीटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने जेमिनी के बारे में बता दिया, जेमिनी एआई के बारे में। अब चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया था इजी टू यूज है चैट जीपीटी, जाहिर सी बात है इजी टू यूज है क्योंकि बहुत लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, देन अपेक्षा गूगल बार्ड के जो इस समय जेमिनी बन चुका है, तो बहुत ज्यादा इजी आई थिंक लोगों के लिए होगा अगर चैट जीपीटी यूज करते हैं। नॉट गेट अ लेटर डाटा गिव योर डाटा, जाहिर सी बात है। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें डिसएडवांटेज यही है कि चैट जीपीटी आपको नया डाटा कभी नहीं देगा, हमेशा आपको ओल्ड डाटा देगा, पुराना डाटा देगा। तो इसके अपेक्षा बेटर हमारे लिए कौन सा होने वाला है, वो हमारा जेमिनी, क्योंकि आपको लेटेस्ट डाटा प्रोवाइड करने वाला है। अगला, गुड फॉर एवरी ब्लॉगर एंड स्टूडेंट, जाहिर सी बात है चैट जीपीटी बहुत अच्छा है, मैंने आपको बताया है, ऐसा नहीं कि बुरा है, बट जेमिनी के अपेक्षा उतना एडवांस अभी ये नहीं है चैट जीपीटी एआई। तो अच्छा ही है गूगल के लिए भी, ब्लॉगर के लिए भी अच्छा है, स्टूडेंट वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है। लाइक अगर कोई स्टूडेंट है और सर्च करना चाहता है तो सर्च कर, जैसे मैंने यहाँ देखिए सर्च किया कि जैसे मैं सर्च करता हूँ 7 प्लस 9 इक्वल टू, ठीक है जैसे मैं सर्च करता हूँ 7 प्लस 9, 7 प्लस 9 इक्वल टू एक स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सर्च किया और मैं इसको सर्च करता हूँ, देखिए क्या देता है हमको डाटा, अभी हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है ये देखिए। सेम से ये दिखा रहा है कि एक स्क्वायर सॉल्व इट वेरिएबल, ये लुक लाइक एलवल, ये बता सब कुछ बता रहा है, स्ट्रीट इतना इतना, देन इक्वेशन, ठीक है इक्वेशन बता रहा है आपको। देखिए थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, नेट का इशू होता है तो ये थोड़ा सा रुक जाता है, ठीक है। ये देखिए इक्वेशन देखिए कह रहा है, देन ये वुड भी आपको बताएगा, थोड़ा सा वेट करना होगा, आप नेट वजह से ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन ऊपर देखिए मैंने सॉल्व करा है, ये देखिए यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर डाला था कि 4 प्लस 6 एंड ए का स्क्वायर, ठीक है क्या होता है इसने बताया, देखिए 4 प्लस 6 टू सॉल्व वी नीड टू आइसोलेट द वेरिएबल्स, ठीक है। हाउ एवर इट लुक लाइक टाइप ऑफ इक्विवेलेंट, ये लिखा हुआ है कि ए का स्क्वायर एंड 4 प्लस 6 इंस्टीड ऑफ ऐसा, तो ये देखिए बता रहा है कि 4 प्लस 6 ए का स्क्वायर इक्वल टू 10 और एक स्क्वायर था चला जाएगा, तो ए इक्वल टू इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होने वाला है स्क्वायर रूट 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और चीज सर्च के देखिए, हु वाज द फर्स्ट मुगल इन इंडिया, मतलब फर्स्ट मुगल इंडिया में कौन आया था उसके बारे में सर्च करने के लिए, देखिए बता रहा है कि फर्स्ट मुगल इंडिया में जो आए थे बाबर आए थे, ठीक है। तैमूर ऑफ हिज फादर, उसके फादर जो का नाम था तैमूर था, और गंजेज खान इसकी मदद, देखिए मदद साइड में देखिए पूरा बता रहा है कि 1526 में आए थे, डिफीट इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को डिफीट करते हुए आए थे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में लड़ाई हुई थी, और यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया, ठीक है। ऐसे चीजें यहाँ पर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करने के बाद चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये का स्क्वायर यहाँ पर 16 आता थी, मेरे हिसाब से यहाँ पर 4 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट 16 का होता है 4, ठीक है। 4 स्क्वायर रूट होता है इसका 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, ठीक है। ये चीजें हो गई, ये चीजें आप सेम चैट जीपीटी में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, चैट जीपीटी में सब चीजें कर सकते हैं, और ये चीजें सेम जेमिनी में भी आप कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। बट जेमिनी मैंने आपको बताया कि थोड़ा एडवांस है चैट जीपीटी की अपेक्षा। अगली चीज देखिए, गुड फॉर कोडिंग एंड कोडिंग डाटा के लिए, जाहिर सी बात है कि चैट जीपीटी अच्छा है अगर आप कोडिंग डाटा वगैरह करते हैं, तो कोडिंग के लिए बहुत अच्छा मैं मानता हूँ चैट जीपीटी को। यू कैन नॉट गेट अ वीडियो इमेज और चैट जीपीटी, मैंने अभी आपको इससे पहले आप कंपेयर करके बताया कि आप कभी भी इमेज वगैरह नहीं सर्च कर सकते या फिर YouTube वीडियो वगैरह सर्च नहीं कर सकता चैट जीपीटी में, अभी ये उतना एडवांस नहीं हुआ है जितना एडवांस जेमिनी एआई मतलब वही गूगल बार्ड हो चुका है। आल्सो पेड वर्जन, भैया इस बात में आपको इसमें पेड वर्जन भी अवेलेबल है, और लाइट डार्क मोड वो तो अवेलेबल होता ही है, जैसे मैंने आपको चैट जेमिनी में बताया था क्या था सिंपल, देखिए यहाँ पर डार्क मोड है या सडनली आगे उसको लाइट कर सकते हैं, तो ये सेम चीजें आपको देखने को मिल जाएगी चैट जीपीटी में भी, ठीक है। तो ये देखिए बस दिक्कत इस बात की कि चैट जीपीटी में आपको ओल्ड डाटा मिलेगा और जेमिनी में लेटेस्ट डाटा मिलेगा, इसमें आप इमेजेस वीडियोस वगैरह काफी चीजें सर्च कर सकते हैं इजीली तरीके से, पर चैट जीपीटी में नहीं कर सकते। तो ये दोनों में डिफरेंस था और दोनों का अंतर भी ये था, बट ऐसा नहीं कि जेमिनी से आप आर्टिकल नहीं लिख सकते या फिर चैट जीपीटी से आर्टिकल नहीं लिख सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दोनों में सेम चीजें कर सकते हैं, दोनों में आप आर्टिकल लिखने के लिए आपके लिए बहुत बेटर होगा,
और ब्लॉगर के लिए दोनों बढ़िया है, दोनों अच्छा है ब्लॉगर यूट्यूबर के लिए। बट थोड़ा सा एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज जो ले जाता है वो है हमारा जेमनी। जेमनी एआई थोड़ा एडवांटेज ज्यादा ले जाता है क्योंकि इसमें जो भी चीजें हैं वो चीजें अवेलेबल नहीं है अभी चैट जीपीटी में, जैसे वीडियोज वगैरह इमेजेस वगैरह यहाँ पर आपको इजिली तरीके से मिलने वाली है। और वॉइस सिस्टम, आप वॉइस मतलब बोल कर भी, इसे मान लिया आपका मन नहीं है, आप थक गए हैं, आज से लिखना नहीं चाहते, तो वॉइस से बोल कर भी इसमें चीजें लिख सकते हैं, बट वो चीजें अवेलेबल नहीं है चैट जीपीटी में भी। सो मैंने आपको बता दिया कि दोनों में अंतर भी बता दिया, और चैट जीपीटी एआई में मैंने आपको बता दिया कि जेमिनी एआई ज्यादा बेटर है देन अपेक्षा चैट जीपीटी के। बट दोनों यूज कर सकते हैं, हमारे ब्लॉगर यूट्यूबर यूज कर सकते हैं और स्टूडेंट भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको काफी समझ में आया होगा। और इसके अलावा मैंने ऑलरेडी और वीडियो अपलोड कर रखी खासकर रिलेटेड जो हमारे चैट जीपीटी और गूगल बार्ड के लिए, आप इसको यहाँ पर आराम से जाकर वॉच कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और भी चीजें यहाँ पर आप लोग के लिए अपलोडेड हैं, जैसे ब्लॉगिंग के बारे में, यहाँ पर यूट्यूब वेबसाइट के बारे में, ट्रैफिक डाटा के बारे में, एडेक्स के बारे में, और यहाँ पर काफी चीजें हैं, इस सबको भी आप इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए मैक्रोनीज भी बना रखा है, किस नीज में आपको स्टार्ट करना चाहिए जो आपके लिए बेटर होगा, बेस्ट रहेगा, जल्दी इसमें आप रैंक कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो ये चीजें मैंने आप लोग के बता दी। तो आज की वीडियो तक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियोज हमारी, और अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करके हमको बताएं ताकि आप लोग के लिए उस तरह की वीडियोज हम अपलोड कर सके जो आप चाहते हैं।